हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रेंड्स एंड डिकेड में। आज हम बात करेंगे सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ट्रांसफॉर्मर डेली 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस। आज हम तीसरी सेट थ्री लेके आए हैं। ट्रांसफॉर्मर के थोड़े अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं फ्रेंड्स, तो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन, द बेसिक फंक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज टू चेंज द लेवल ऑफ वोल्टेज। ट्रांसफॉर्मर का बेसिक फंक्शन क्या है? तो वो वोल्टेज का लेवल चेंज करता है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद द एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसफार्मर इज अराउंड 95%। क्वेश्चन नंबर थ्री, द टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर आर इंडक्टिवली लिंक्ड। ये इसके बारे में फ्रेंड्स हमने कल भी बात की थी। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है, मैंने वापस कुछ रिपीट किया क्योंकि ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं, इसलिए द टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर आर इंडक्टिवली लिंक्ड, इंडक्टिवली लिंक्ड होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर, द टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर आर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड। इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होते हैं और इंडक्टिवली लिंक्ड होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद ट्रांसफार्मर एक्शन रिक्वायर्स एन अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। ट्रांसफार्मर एक्शन है जिसकी वजह से हमारा ट्रांसफार्मर वर्क करता है, उसके लिए ट्रांसफार्मर एक्शन का रिक्वायर के लिए हमें अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की जरूरत होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स, द फ्लक्स क्रिएट बाई द करंट फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी वाइंडिंग इंड्यूस EMF इन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द फ्लक्स क्रिएटेड बाई द करंट फॉलोइंग थ्रू अ प्राइमरी वाइंडिंग इंड्यूस EMF इन। तो हमारा जब फ्लक्स फ्रेंड्स होता है, ठीक है, जो प्राइमरी करंट फ्लो होने की वजह से जो प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लक्स क्रिएट होता है, वो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों, उससे जो EMF इंड्यूस होता है वो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों में इंड्यूस होता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद द आयरन कोर इन ट्रांसफार्मर प्रोवाइड अ लो रिलक्टेंस पाथ ऑफ द मेन फ्लक्स। आयरन कोर इन अ ट्रांसफार्मर प्रोवाइड अ लो रिलक्टेंस पाथ ऑफ द मेन फ्लक्स। उसके बाद द रेटेड DC वोल्टेज इज अप्लाइड इंस्टेंट ऑफ AC टू द प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर। प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर इज बर्न। अगर हम प्राइमरी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को DC वोल्टेज, रेटेड DC वोल्टेज देते तो हमारी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग बर्न हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर द वाइंडिंग शुड हैव नो ओमिक रेजिस्टेंस और ऑन आइदर साइड। आइडियल ट्रांसफार्मर में नो ओमिक रेजिस्टेंस होता है। उसके बाद द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर ऑफ अ ट्रांसफार्मर डिपेंड्स ऑन लीकेज फ्लक्स। हमारा जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो लीकेज फ्लक्स के डिपेंडेंट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, इफ द आयरन कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज रिप्लेस्ड बाय एन एयर कोर देन द हिस्टेरेसिस लॉस इन द ट्रांसफार्मर विल डिक्रीज। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर हमारा ट्रांसफार्मर की आयरन कोर है उसे हम एयर कोर में रिप्लेस कर देते तो हिस्टेरेसिस लॉस है वो हमारा डिक्रीज हो जाता, ओके। उसके बाद इफ इन ऑर्डर टू रिड्यूस द हिस्टेरेसिस लॉस सिलिकॉन स्टील मे बी यूज्ड एज द कोर मटेरियल। हिस्टेरेसिस लॉस कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील यूज करते हैं हम कोर मटेरियल में, ओके फ्रेंड्स। इन अ पावर ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज वाइंडिंग इज ऑलवेज वाउंड विथ लेजर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ थिकर वायर। तो फ्रेंड्स, इन अ पावर ट्रांसफार्मर क्या कहते हैं सुनिए, कि लो वोल्टेज वाइंडिंग इज ऑलवेज वाउंड विथ लेजर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ थिकर वायर। थिकर वायर मतलब थोड़ा सा मोटा वायर एरिया जिसका बड़ा हो, तो ज़्यादा बड़ा वायर हम यूज़ करते हैं, और लेजर नंबर ऑफ टर्न्स हमारे कम होते हैं। लेकिन लो वोल्टेज है मतलब हमारा करंट हाई होगा, इसलिए एरिया हमारा वायर का एरिया होगा वो बड़ा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए हम कम नंबर ऑफ टर्न्स हमारे कम हो गए और वायर का साइज एरिया ज़्यादा होगा। उसके बाद द फंक्शन ऑफ ऑयल इन अ ट्रांसफार्मर इज टू प्रोवाइड इंसुलेशन एंड कूलिंग। ऑयल का काम हमारा ट्रांसफार्मर में क्या है? इंसुलेशन प्रोवाइड करना और कूलिंग के लिए। क्वेश्चन 15, द कलर ऑफ फ्रेश डाइलेक्ट्रिक ऑयल यूज इन ट्रांसफार्मर इज पहले येलो। मतलब फ्रेंड्स, हमारा जो डाइलेक्ट्रिक ऑयल होता है ट्रांसफॉर्मर में वो पहले येलो कलर जैसा फ्रेश जो होता है नया, वो येलो कलर का होता है। उसके बाद नेचुरल एयर कूलिंग इज यूज्ड फॉर अ ट्रांसफॉर्मर ऑफ रेटिंग अप टू 5 to 10 kVA।
नेचुरल एयर कूलिंग है वो हमारा 5 से 10 kVA के ट्रांसफॉर्मर में ही यूज होता है, इससे उसके बड़े साइज के ट्रांसफॉर्मर में नेचुरल एयर कूलिंग हम यूज नहीं करते। इसके बाद द कोर फ्लक्स इन ट्रांसफॉर्मर डिपेंड्स मेनली ऑन सप्लाई वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। कोर फ्लक्स हमारा जो होता है वो सप्लाई वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड्स करते हैं। उसके बाद द मेन पर्पज ऑफ परफॉर्मिंग ओपन सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफॉर्मर इज टू मेजर इट्स कोर लॉस। कोर लॉस पर हम ओपन सर्किट टेस्ट जो ट्रांसफॉर्मर में करते हैं वो हमारा मेन पर्पज होता है कोर लॉस फाइंड करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद बुकोल्स रिले इज यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर अगेंस्ट ऑल इंटरनल फॉल्ट। बुकोल्स रिले का यूज हम प्रोटेक्शन के लिए, इंटरनल फॉल्ट के प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, ओके फ्रेंड्स। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर आर डिजाइन टू हैव अ मैक्सिमम एफिशिएंसी नियरली एट 70% ऑफ फुल लोड। फ्रेंड्स जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होता है वो हमारा क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर हमारा एरिया एरिया वाइज होता है, तो नियरली 70% हमारा लोड होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, तो उसकी एफिशिएंसी हमें मैक्सिमम मिलती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो और देखना दूसरी बार ऐसा है कि यहाँ पे तो फ्रेंड्स मैंने 70% लिखा है, लेकिन कई बार ऑप्शन में 70% नहीं लिखा होता है, 50%। तो 50 या 70 दोनों में से आप कोई भी ले सकते, अगर 50% भी हो तो आप 50% टिक करेंगे तो वो आंसर राइट होगा, ठीक। लेकिन वहाँ पे 70% नहीं होना चाहिए तो ही आप 50% ले सकते हैं। मतलब हाफ लोड पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम मिलती है, ओके। तो ये आज के 20 questions हैं, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ट्रांजिएंट एकेडमी, ओके। थैंक यू फ्रेंड्स।